हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि मेरे अकाउंट के ऊपर फ़िल्टर स्पैम फॉलोअर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर आपको यहाँ पर ये पोटेंशियल स्पैम वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो कैसे आप लोग अपने अकाउंट में पोटेंशियल स्पैम एंड फ़िल्टर स्पैम फॉलोअर वाला ऑप्शन ला सकते हो? सो इस वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना होगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो 110% फिक्स हो जाएगा एंड आपके भी अकाउंट में पोटेंशियल स्पैम एंड फ़िल्टर स्पैम फॉलोअर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चले जाना है अपने इंस्टाग्राम पे, देन आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है। देन अब आपको क्या करना है कि आई बटन का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो आपको आई बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे क्लियर डेटा एंड क्लियर कैच कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता कर लेना, ताकि आपको फिर बाद में इंस्टाग्राम में लॉगिन करते समय प्रॉब्लम नहीं आए। अगर पासवर्ड नहीं जानते इंस्टाग्राम का एंड जानना है तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखकर इंस्टाग्राम का पासवर्ड जान सकते हो। अब क्या करना है, आपको दूसरे ट्रिक में जाना है, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। सर्च करने के बाद चेक करना है कि हमारा इंस्टाग्राम अपडेट है या नहीं। तो सबसे पहले अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं होगा तो उसको अपडेट करना है। अब अपडेट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, URA बीटा टीजर। तो यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आपके भी इंस्टाग्राम के साइड में बीटा का ऑप्शन आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जो भी न्यू अपडेट होता है वो सबसे पहले आपके अकाउंट पर देखने को मिल जाता है, जैसा कि मेरे अकाउंट पर ये ऑप्शन आ रहा है एंड अदर अकाउंट पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हो अदर मेरा अकाउंट है उस पर ये ऑप्शन अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन मेरे मेन अकाउंट पर आ गया है क्योंकि मैंने बीटा टीजर ज्वाइन कर रखा है। तो इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आना है अपने इंस्टाग्राम में एंड आपको एक बार चेक करना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो मेरा सॉल्व हुआ या नहीं, मेरे अकाउंट पर ये ऑप्शन आया या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बैक होना है। बैक होने के बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल में आना है, देन थ्री लाइन पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको इस तरीके से नीचे आना है। नीचे आपको फॉलो एंड इन्वाइट फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से प्रोफाइल में आ जाना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे आने के बाद आपको हेल्प का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देन रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेक फोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन ऑन मिलेगा, इसको ऑफ कर लेंगे। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको चले जाना है कमेंट बॉक्स में। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे लिख देना है। जैसा कि देख सकते हो आपको क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डियर इंस्टाग्राम टीम, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर पोटेंशियल स्पैम एंड फिल्टर स्पैम फॉलोअर इन माई अकाउंट, सो प्लीज़ मेक बोथ दिस ऑप्शन अवेलेबल इन माई अकाउंट सो डैट आई कैन यूज़ देम, थैंक्स। आपको ये लिखना है। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ऐड दिखेगा, इस स्क्रीनशॉट को कट करके हटा देंगे। देन अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने जो दो स्क्रीनशॉट लिया है वो दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, बारी बारी से सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, ऊपर सेंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इतना करोगे आपका रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के 48 घंटे तक आपको वेट करना है। 48 घंटे के बाद आपके भी अकाउंट के अंदर पोटेंशियल स्पैम एंड फिल्टर स्पैम फॉलोअर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कैसे इसको यूज करना है। आप में ऑप्शन आ भी जाता है तो आप लोग पहले इसको यूज करना सीखोगे, तब तो इसका यूज कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सो अभी ये न्यू अपडेट है, अभी धीरे धीरे सभी में मिलेगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपके अकाउंट में भी ऑप्शन आएगा एंड जरूर आएगा। अभी न्यू अपडेट होने के कारण धीरे धीरे सभी में टेस्टिंग किया जा रहा है। सो अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।